नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आज एक बहुत ही कमाल के व्यक्ति से मेरी भेंट हुई है। रोहतक हरियाणा से बिजेंद्र सिंह भाई साहब बाइक टूर पर भारत भ्रमण के लिए निकले हैं। तो ये आगे सामने जो हाईवे है फिरोजाबाद का, वहाँ से उन्होंने देखा कि यहाँ केले की खेती है, तो यहाँ उतरकर उन्होंने यहाँ पूछा कि ये केले की खेती किसकी है। फिर उन्होंने पता किया कि ये तो केले की खेती जहर मुक्त है, एक तरह प्राकृतिक है, जैविक है। तो इनको जो मेरे मिलने की उत्सुकता बढ़ी और घर तक पहुँचे ये, फिर हम यहाँ वापस आए हैं खेतों में। और कृषि के या जैविक कृषि, प्राकृतिक कृषि के संबंध में कई बिंदुओं पर चर्चा की है। क्या अनुभव रहा है आपका? बहुत अच्छा और बहुत शानदार और बहुत हट कर के मेरा अनुभव रहा है। हट कर के इसलिए कह रहा हूँ और शानदार इसलिए कह रहा हूँ कि मैं देखता हूँ कि आज के समय में युवा खेती की तरफ जो है एक तरीके से निराशात्मक उनका रुख है। और मैंने ये नहीं पता था कि आप एक युवा हैं। मेरे को लगा कोई धोती कुर्ते वाला जो है एक बुजुर्ग होगा जिसने समझ लिया कि भाई खेती अच्छे से करनी चाहिए। परंतु जैसे मैं घर की तरफ गया तो फिर मेरे को आप मिले, इसलिए मैंने पूछा कि भाई आपके पिताजी से मुलाकात हो सकती है क्या। पर आपने कहा पिताजी से भी मुलाकात हो जाएगी पर खेती मैं स्वयं करता हूँ। तो मुझे ये जान करके बहुत अच्छा लगा कि आज युवा जो है वो खेती से जब दूर जा रहा है, उस दौर में आप ऐसा भी इतना शानदार जो है एफर्ट लगा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आप ये गन्ना देख रहे हैं, दो बार इसमें कटाई हो चुकी है, तीसरी बार है। तो आपने इस गन्ना में जो रासायनिक पद्धति से गन्ना उगाते हैं और एक प्राकृतिक कृषि में गन्ना है, तो आपको क्या भिन्नता इसमें आपको दिखाई देती है? इसमें भिन्नता ये दिखाई देती है कि मैं जब आमतौर पे जो फसल उगती है वहाँ देखता हूँ तो वो बिल्कुल वो एक तरीके से उन्होंने सफाई करके रखी होती है ताकि वो पानी दें या कुछ और करें तो वहाँ पे कीड़ा काटा भी ना हो और पानी भी जो है पूरे खेत में आसानी से चला जाए। परंतु जब मैं यहाँ देख रहा हूँ तो यहाँ पे आपको इस पूरे खेत में इतनी ऊँची ऊँची जो है पराल वो दिखाई दे रही है, जो कि वहाँ पे नहीं दिखाई देती है। वहाँ वो किसान जो है वो जलाता हुआ दिखाई देगा। ये जो पराल है वहाँ जैसे ही फसल कटेगी किसान उसको जला देता है, उससे जो हमारे साथी जो जीवाणु हैं वो भी मर जाते हैं और साथ में जो है वो इतनी अच्छी एक तरीके से जो प्राकृतिक खाद बननी थी वो भी ख़त्म हो जाती है। और साथ के साथ जो ये ढक रखा है इस ये नुकसान नहीं कर रही है। इसके नीचे जो है मैं देख पा रहा हूँ, पता नहीं कब पानी दिया होगा, परंतु ये नमी, ये देखिए बार बार पानी देने की जो ज़रूरत है खेत में वो नहीं पड़ेगी। मैं आपको इस बीच एक अद्भुत बात मैं आपको बता दूं जी कि जो काष्ठ आच्छादन है इस गन्ने में, मैंने पिछली दिवाली वाले दिन पानी लगाया था, मुझे याद है। फिर मैंने अक्टूबर नवंबर में आपने पानी, फिर मैंने वही पानी दिवाली से लगाने के बाद सीधा होली वाले दिन, होली से एक दिन पहले लगाया था, तो लगभग 5 महीने का बीच, 5 महीने के। फिर मैंने होली के बाद अभी जो कटाई जब हुई है तो जब उसमें फुटाव होता है तो उस समय गन्ना लगातार थोड़ा 20-20 एक महीने बाद हमें पानी देना पड़ता है। जो है वो हो गए हैं। ये जो काष्ठ आच्छादन का जो यहाँ प्रभाव है वो एक माइक्रो क्लाइमेट जिसको बोलते हैं, सूक्ष्म वातावरण क्रिएट करता है। तो जितने भी सूक्ष्म जीवाणु हैं वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, नमी को बचाए रखते हैं, पोषक तत्वों को बचाए रखते हैं, जी नाइट्रोजन कार्बन मेंटेन रहता है, सीजन रेशियो, बहुत से सकारात्मक प्रभाव हैं इसके। तो इसको ज़रूर हमको सोचना चाहिए और इसको जलाना तो बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए, वो बिल्कुल नुकसानदेह है। अब मैं आपको केले की फसल दिखाता हूँ। केले की फसल का विवरण बताने से पहले मैं भाई साहब की बाइक दिखाता हूँ आपको, जो भारत भ्रमण पे इस बाइक से निकले हैं। कुछ स्लोगन्स उन्होंने लगाए हैं आगे, इनके बारे में थोड़ा। ये बाइक पे जो स्लोगन्स हैं, जब मैं निकला था तो मैं कुछ लिखवा के या कुछ नहीं, मैं इस पे कुछ लिखवा हुआ था, ऐसे ही मैं निकल पड़ा।
और जब मैं मथुरा पहुंचा हूं तो मथुरा में जब चेकिंग होने लगी तो पुलिस वालों ने पूछा कि भाई हरियाणा में से बाइक पे यहां क्या कर रहे हो, या हरियाणा की बाइक यहां क्या कर रही है। तो मैंने कहा कि जी इन इन उद्देश्यों से आया हुआ हूं, तो इसलिए जो है यहां घूम रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि भाई फिर तो जो है आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहिए ताकि क्या नाम देखते ही आदमी को लगे कि ये कुछ अलग कर रहा है। तो उन्होंने कहा इस पर कुछ लिखवाइए। तो मैंने कहा कि मैं कम से कम खर्च पर जो है मैं ये भ्रमण करना चाहता हूँ जो उद्देश्य मेरे हैं उनके साथ है। तो तब पुलिस वाले ने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने कहा कि मैं लिखवाता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, ना नुकर भी की मैंने, परंतु उन्होंने जो है इस पे लिखवाया और अपने पैसे से लिखवाया। और सबसे खास बात यह है उन्होंने दुकानदार को पैसे भी दिए। क्या लिखवाया? जो मेरे उद्देश्य हैं, देखिए मैंने यहाँ पर मैंसन किया है नो सुसाइड, मतलब आज जो है जो अगर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कर रहा है तो लोगों को लगता है कि भाई इतना बड़ा फिल्म स्टार जो है जिसके पास बहुत कुछ है वो सुसाइड कर सकता, तो हम तो कीड़े मकोड़े, मतलब आम इंसान जो है वो अपने आप को कीड़ा मकोड़ा समझ रहा है। और वो चाहे वो किसान है, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो मजदूर है, वो सुसाइड की तरफ बढ़ रहा है ऐसी चीज़ों को देख करके। तब मैंने कहा नहीं, ज़िंदगी है, एक बार मिली है, उसको अच्छे से जीना है। तो इसलिए साथ के साथ एक स्लोगन दिया, फाइट फॉर लाइफ, ज़िंदगी के लिए संघर्ष करेंगे। और इस ज़िंदगी को जो है अगर आज बुरे दिन आए हैं तो कल अच्छे दिन भी आएंगे। तो इसके आगे जब मैं बढ़ा तो सेव फार्मर सेव एग्रीकल्चर, जो नीचे हिंदी में भी मैंने लिखवाया है, भगत सिंह जी, शहीद भगत सिंह जी का फोटो भी है साथ में, बहुत हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। पहले भी था इस पे भगत सिंह का, वो थोड़ा सा डल हो गया था, परंतु जब ये सारा रिनोवेट करवा रहे थे तो साथ में जो है भगत सिंह आना लाजमी था, तो भगत सिंह साथ में आए। और सेव एग्रीकल्चर और सेव फार्मर, जब इसकी बात आती है तो किसान जो है आज ना सरकारों के और ना ही किसी अन्य समाज से भी संस्थाओं के एजेंडे पे नहीं है जी। और इसीलिए जो है वो खेती घाटे का सौदा लगातार बन रही है। जो दवाइयां बेचने वाली हैं या खाद बेचने वाली जो कंपनियां हैं वो उन्हें बड़े मज़े से अच्छे से जो है वो लूट रही हैं। किसान जो है वो गरीब होता जा रहा है, सुसाइड करने की तरफ बढ़ता जा रहा है, परंतु वो कंपनियां जो उनको खाद और बीज बेच रही हैं या दवाइयां बेच रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, वो जो है अमीर होती जा रही हैं, उनके टर्नओवर जो है बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने जो है इस एजेंडे को साथ में लिया। और के साथ साथ जो है सेव इन्वायरमेंट, मैं पहले सोचता तो था अगर भाई हमारा जो पर्यावरण है उसकी रक्षा होनी चाहिए, परंतु जैसे मैं यूपी के अंदर आया हूं और जब से मैंने यमुना मेरे को दिखनी शुरू हुई है, उसकी हालत देख के मेरे को लगने लगा कि वाकई में जो है इन्वायरमेंट को बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा कि उसमें नेचुरल पानी कहीं पे भी है। हो सकता है 1-2% उसके अंदर हो, परंतु ज़्यादातर जो है वो नालों का पानी उसमें डल रहा है, गंदे नालों का पानी डल रहा है। तो हमें लगा, मेरे को लगा, अगर लोग जो है दोगला व्यवहार कर रहे हैं, वो एक तरफ जो है नदियों को पूज रहे हैं, उन्हें पवित्र मान रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसको गंद डाल के गंदा कर रहे हैं। तो ये चीज़ दिखाई दी। साथ में जो है मैंने एक नारा और इस पर लिखवाया हुआ है दोनों तरफ, इधर जो है लोग है तो इधर भी दिख सकता है, हर मतलब ये कि जो नौजवान हैं उन्हें सरकारी नौकरी क्यों ना दे, सरकारी नौकरी देनी चाहिए। और अगर सरकारी नौकरी नहीं दे पा रही है, मतलब पहली बात तो जो विभाग है उनमें उन किसानों को उन नौजवानों को जो है नौकरी देनी चाहिए, उसके बाद जो नौजवान बच जाते हैं उनके लिए उद्योग, लघु उद्योग और वृद्ध उद्योग जो है वो लगाने चाहिए जहाँ पे उनको नौकरियाँ दी जा सके। उसके बाद अगर फिर भी नौजवान बचते हैं तो उन्हें लावारिस नहीं छोड़ा जा सकता। जैसे आप सचिन जैसे जो नौजवान हैं जो खेती की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर खुद का अपना कुछ काम करना चाहते हैं, चाहे वो वेल्डिंग का हो, चाहे वो कारपेंटर का हो, चाहे जैसा भी कोई काम करना चाहते हैं, तो उन्हें सस्ते मूल्यों पर जो है ऋण दिया जाए ताकि वो अपनी आमदनी बढ़ा सकें, अपने काम को आगे बढ़ा सकें, ताकि वो किसी के ऊपर निर्भर ना रहें। तो ये चीज़ साथ में रखी। और एक स्लोगन जो है यहाँ पर जो छूट रहा है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य हो सिर्फ सरकारी जी। शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो कोई बर्फ़ी या टॉफ़ी या के कोई रेडीमेड कपड़ा नहीं है। अगर भाई अच्छा मन किया तो एडिडास का कपड़ा ले लिया, नहीं मन किया तो रहने दो, या फिर बर्फ़ी जो है मन किया तो खाली, नहीं मन किया तो रहने दो, या पैसा है तो खा लो और नहीं है तो मत खाओ। तो ऐसा ही हम एजुकेशन के साथ या फिर हेल्थ के साथ नहीं कर सकते। अगर भाई आपके पास पैसा है तो अपने बच्चों को पढ़ा लो और नहीं पैसा है तो मत पढ़ाओ, क्योंकि पढ़ाई और स्वास्थ्य दोनों बेसिक नीड हैं,
बेसिक ज़रूरतें हैं, तो वो सरकार को ये जो पूंजीपति बैठे हुए हैं, जो ये जगह जगह दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, अस्पतालों के नाम पे जो हाथे खोल के बैठे हुए हैं, उनकी बपौती ख़त्म करके सरकार को अपने हाथों में इन चीज़ों को लेना चाहिए ताकि सबको शिक्षा और सबको स्वास्थ्य मिल सके। ये इस मिशन के साथ जो है मैं रोहतक से निकला हूँ, जहाँ तक पहुँचा जाएगा वहाँ पहुँचेंगे। एजेंडा यही है कि मैं पूरे भारत का भ्रमण करूँ, वहाँ के खान पान, रहन सहन, उनकी ज़रूरतें, उनकी समस्याएं, उनकी बोली, उनकी भाषा को मैं समझ सकूं, उनकी ज़रूरतों को समझ सकूं और मैं अपनी जो बात है वो उन्हें कह सकूं, दोनों तरफ से जो है संवाद होता चला जाए, ये इस बाइक पे मेरा निकलने का उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं आप, और जो आपका धन्यवाद लक्ष्य है उसमें आप सफल ही होंगे। हाँ। क्योंकि आपका पहला कदम भी सफलता की ओर है, और जो भी इस वीडियो को देखे समझने की कोशिश करें कि भाई साहब किस पथ पर निकले हैं, क्या लक्ष्य है उनका, किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्महत्या जैसी समस्याएं जो हैं इनको किस तरह ख़त्म किया जाए और किस तरह सुधारा जाए, ये सारी चीज़ें भाई साहब लेकर पूरे भारत भ्रमण के लिए निकले हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है मेरे लिए कि आज इनसे मेरी भेंट हुई अचानक से, मैं परमात्मा का धन्यवाद करूंगा। मेरे लिए भी गर्व की बात है कि इतना महान व्यक्ति जो एक ऐसी खेती कर रहा है जो जैविक खेती है, जिसकी तरफ लोगों का रुझान नहीं है, जिसकी तरफ ध्यान नहीं है, वो ऐसा काम कर रहा है, तो मुझे भी अच्छा लगा आपसे मिल करके और बिल्कुल यादगार दिन मेरे लिए बन गया है ये। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसे अभी आप देख पा रहे हैं ये केले की फसल है, द्वितीय वर्ष है, ये बात अधूरी रह रही थी तो मुझे याद आया कि इसको भी पूरा कर दिया जाए। और आच्छादन की बात कर रहे हैं तो इसका भी जो भी इसके पत्ते, इसके काष्ठ इसके अंदर निकलता है तो हम वो पूरा काष्ठ इसी खेत में काष्ठ आच्छादन के रूप में बिछा देते हैं, जिससे इसकी नमी, पोषक तत्व, सारी चीज़ें, एक माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट होता है इसमें और अद्भुत जो है फसल भी मिलती है हमको, पूर्ण जहर मुक्त मिलती है बिल्कुल। जो किसान कहते हैं कि हम बगैर केमिकल के केला की फसल नहीं होती है, वो एक ये उदाहरण है जो मैंने यहाँ प्रस्तुत किया है। आप भी देखते होंगे कि केले के विषय पर जैसे आप देख रहे हैं यह जहर मुक्त केला है, क्या ये बगैर रसायन के केला हो सकता है, नहीं, आप थोड़ा इस पर चर्चा कीजिए। देखिए, मैं खेती का एक्सपर्ट नहीं हूँ जी, पॉलिटिकल साइंस का मैं स्टूडेंट भी हूँ और उसका टीचर भी हूँ, अच्छा, तो ज़्यादातर उसी पे मैं है, परंतु उसके बावजूद भी जो देखा है, सुना है, उसी पे मैं बात कर रहा हूँ कि खेती की जा रही है, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से खेती की जाती है, परंतु जो आपके यहाँ पे मेरे को अच्छी लगी, अलग लगी, अगर मैं जब बात कर रहा हूँ अगर भाई साउथ में इस पत्ते को वो अलग अलग रूप में यूज कर रहे हैं, वो खाने के दौरान जो है इस पे खाना डाल के खाने की बात हो, चाहे इसके फाइबर निकाल के जो है उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स बना के सेल करने की बात हो, वो आप अभी नहीं कर रहे हैं। अभी जो है इस पत्ते को आप जो है वैसे का वैसा ज़मीन पे डाल रहे हैं, यानी कि मुनाफे की तरफ ना बढ़ के अपनी फसल और अपनी ज़मीन को आप मजबूत कर रहे हैं। मजबूत कैसे हो रही है, ताकि जब ये ज़मीन के अंदर डल रहा है तो इस पे कोई केमिकल नहीं है, तो ये एक तरीके से नेचुरल या प्राकृतिक जो है वो खाद का काम कर रहा है। और साथ के साथ जैसा कि हमने वहाँ गन्ने के खेत में बात की, ताकि वो पराली जो नमी को बचाए रखने का काम कर रही है, ऐसे ही जो है ये पत्ता इस ज़मीन की जो नमी है उसको बचाने का काम कर रही है, जिससे किसान का जो खर्च है किस चीज़ का, डीजल का या पानी जो लगता है उसका, वो खर्च जो है बच रहा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो इसलिए मुझे ये केले की खेती बहुत अद्भुत लगी है और उम्मीद करता हूँ कि अगली बार हो सकता है कि मेरा तब तक ये टूर ख़त्म हो जाए, कभी फिर दोबारा मौका मिले तो ये मेरे को केले जो है पके हुए मिले और अगली बार मेरे को आपके खेत में जैविक जो केला है वो खाने का मौका मिले। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसी मैं शुभकामनाएँ देता हूँ कि आप ऐसे ही, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट की जब बात करते हैं तो वो सैन्य जो प्रोडक्ट हैं, हथियार जो हैं उन पर रिसर्च की बात करते हैं हम, मेडिकल साइंस पे हम रिसर्च की बात करते हैं हम जो है चांद पे जाने की या आकाश में जाने की या अंतरिक्ष में जाने की बात करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च की बात करते हैं, परंतु खेती की रिसर्च की जो बात है वो कहीं छुप जाती है, उस पर होती हैं रिसर्च, पर हमारे देश में वो गिनी चुनी रिसर्चर हैं और
आप जो है, आप जैसे नौजवान जो है जो ये रिसर्च कर रहे हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पे जो है वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि रूटीन की जो खेती होती है उसमें फसल की जो उत्पादकता है, वो ज़मीन की जो उत्पादकता है वो भी मर रही है, उसमें तरह तरह के जो रसायन डल रहे हैं वो ज़मीन का नमी भी ख़राब कर रहे हैं, वो हमारे जो साथी कीट हैं उनको भी मार रहे हैं, वो और भी सारी चीज़ें जो बहुत सारी चीज़ नुकसान कर रहे हैं, ख़ास तौर पे हमारे स्वास्थ्य को लेकर के, हमारे पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर के वो नुकसान दे रहे हैं। परंतु जब जैविक खेती की बात आएगी और जो आप लोग जो रिसर्च कर रहे हैं वो देश अपने लिए तो आप अच्छा कर ही रहे हैं, अपने परिवार के लिए तो अच्छा कर ही रहे हैं, आपके गांव के लिए तो अच्छा कर ही रहे हैं आप, साथ के साथ आप देश की तरक्की में भी सहयोग दे रहे हैं, ये मुझे बहुत जान करके बहुत अच्छा लगा है और मैं बिल्कुल आभार प्रकट करता हूँ और आपको शुभकामनाएँ दे रहा हूँ कि आप इस तरीके की रिसर्च को आगे बढ़ाते जाएँ, बाकी नौजवान जो है वो और जो किसान है वो आपसे प्रेरणा लेते जाएँ और ये कारवां जो है आगे बढ़ते हुए इस देश को खुशहाल बनाता चला जाए। उत्साहवर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद एक अच्छी मुलाकात के लिए।